Good morning, friends, and welcome to the lecture on Lagrange interpolation. So in this lecture, we shall define what is the interpolation. Then we define what are the interpolation methods. And basically, in your syllabus, only Lagrange interpolation formula or Lagrange interpolation method is. So therefore, we shall study about the Lagrange interpolation formula. So first of all, what is the interpolation? Let y be a continuous function in some interval a, b. And define it n plus one distinct points x0, x1, xn. It means my pass में कोई function given है जो किसी interval a b में define है और यह n plus one distinct points के ऊपर define it means यदि आपको function का exact nature नहीं पता है but उसकी discrete points पे आपको values पता है for example x0, x1, xn these are the n plus one discrete point जहाँ पे हमारे पास क्या है इस function की हमको values पता है सपोज एक्स नॉट पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है वाई नॉट एक्स वन पे वाई वन है एक्स एन पे वाई एन है सच दैट इट मीन्स हमारे पास में जो पॉइंट्स की वन है सेटिस्फाई दिस कंडीशन इट मीन्स एक्स जीरो इज लेस देन एक्स वन इज लेस देन एक्स टू इज लेस देन एक्स एन इक्वल टू बी इट मीन्स यू कैन सी हियर ये हमारे पास में एक्स जीरो पॉइंट है एंड दिस इज अवर पॉइंट एक्स एन इट मीन्स एक्स जीरो इज द इनिशियल पॉइंट which is given by a, xn is the terminal final point or end point of the interval, which is b. अब इस interval को हमने n parts में break कर दिया है, so this one is our x1, x2, xi minus 1, this is xi, xi plus 1 and so on. Now the distance between the two consecutive points may be equal or unequal. It means x1 और x0 के बीच में जो distance है वो x2 और x1 के distance के बराबर भी हो सकती है और different भी हो सकती है. It is not necessary कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए सो डिस्टेंस में भी इक्वल और अनइक्वल सो वी हैव ब्रेक द इंटरवल ए बी इन द एन सब इंटरवल्स राइट बाय यूजिंग दिस एन प्लस वन पॉइंट्स राइट नाउ द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन इज टू फाइंड ए पॉलिनोमियल वाई एन एक्स ऑफ डिग्री लेस देन एन विच फिट्स द गिवन डिस्टिंक्ट डेटा एग्जैक्टली इट मीन्स बेसिकली आपके इंटरपोलेशन का मतलब क्या है हमारे पास में जो डिस्क्रीट पॉइंट्स गिवन है इनके ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज क्या है यहाँ पे फंक्शन है वाई नॉट यहाँ पे वाई वन वाई टू वाई आई माइनस वन वाई आई एंड सो ऑन अब इंटरपोलेशन का मतलब है कि ए से बी के बीच में यदि हम कोई भी पॉइंट लें एक्सेप्ट दिस डेटा पॉइंट्स बिकॉज यहाँ पे तो हमको फंक्शन की वैल्यूज पता है बट यदि सपोज एक्स नॉट एक्स टू के बीच में सपोज इस पॉइंट पे हमको वैल्यू निकालनी है देन वी यूज इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन मीन्स जो हमारे पास में डेटा पॉइंट्स गिवन है उनके बीच में किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे यदि आपको वैल्यू निकालनी है दैट प्रोसेस इज नोन एज द इंटरपोलेशन ठीक है तो x0 से xn के बीच में एक्सेप्ट द डेटा पॉइंट्स यदि आपको फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है देन वी यूज इंटरपोलेशन यदि इन दोनों डेटा पॉइंट्स x0 और xn के बाहर किसी पॉइंट्स पे निकालनी है इट मींस x0 के आपको लेफ्ट में निकाल लिया है xn के राइट में आपको निकालनी है देन दैट प्रोसेस इज नोन एज द एक्सट्रापोलेशन इट मीन्स आप इंटरवल के बाहर किसी पॉइंट पर निकालनी है इट मीन्स यू विल यूज एक्सट्रापोलेशन फॉर्मूलाज बट हमारे पास क्या करनी है एक्स जीरो से एक्स एन के बीच में किसी नोडल पॉइंट के ऊपर निकालनी है इन पॉइंट्स को हम नोडल पॉइंट्स भी बोलते हैं ठीक है इनके अलावा इन इसमें कहीं पॉइंट पे आपको वैल्यूज निकालनी है देन वी यूज इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज एज वी नो दैट कि हमारे पास में यदि कोई दो पॉइंट से पास होने वाला जो कर्व की इक्वेशन क्या बनती है आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ द कर्व पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स क्या बनता है आपके पास में 11 12th में पढ़ी होगी ना आप लोगों ने दो पॉइंट से पास होने वाले कर्व की इक्वेशन क्या बनती है लाइन बनती है या नहीं बनती है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द टू पॉइंट्स लाइन की इक्वेशन आप कब निकाल सकते हैं जब आपके पास में दो पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर पता हो तब आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं यस सर नो यस सर तो सेम इज हियर हमारे पास में कितने पॉइंट्स हैं n प्लस 1 पॉइंट्स है ये x0 x1 x2 xn ये n प्लस 1 है और इनके करस्पोंडिंग हमारे पास में y की वैल्यूज क्या है y0 y1 yn सो वी हैव n प्लस 1 डेटा पॉइंट्स सो इट मींस इन पॉइंट से पास होने वाला जो भी कर्व होगा उसकी डिग्री क्या होगी लेस देन और इक्वल टू एन इट मींस या तो एन होगी या उससे कम होगी बट उससे ज्यादा नहीं हो सकती बिकॉज ठीक है सो विफ द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन इज टू फाइंड ए पॉलिनोमियल वाई एन एक्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू एन
which fits the given distinct data exactly. It means y n x I equals to y of x I. It means हमारे पास में हम n डिग्री पॉलिनोमियल में निकालेंगे उसकी जो वैल्यू होगी x I के ऊपर जो एग्जैक्टली हमारे पास में गिवन होगी डिस्टिंग उनके बराबर होगी फॉर आई इक्वल टू जीरो वन टू वन. सच ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल. इट मीन्स हम इन डेटा पॉइंट्स का यूज करते हुए वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल विच पासिस थ्रू द गिवन डेटा पॉइंट्स. और यदि हमको इन इन नोडल पॉइंट्स के अलावा किसी अदर नॉन नोडल पॉइंट के ऊपर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है देन वी यूज दिस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ value of function at that point. ठीक है. So such process is known as the interpolation. Clear? कोई doubt इसमें बेटा? So I again repeat, हमारे पास में n plus one distinct point given है. अब जो distinct points हैं इनके बीच में जो distance है consecutive points के बीच में वो आपकी equal हो भी सकती है और distinct भी हो सकती है. ठीक है. इन पॉइंट से पास होने वाले जो कर्व की जो इक्वेशन बनेगी दैट उसकी डिग्री आइदर लेस देन एन होगी या इक्वल टू एन होगी. ठीक है. और उस पॉलिनोमियल का हमको बोलेंगे इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल. और उस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल का यूज करते हुए यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट द नॉन नोडल पॉइंट्स. इट मींस जो पॉइंट्स आपके पास में गिवन है x1 x2 इनके अलावा किसी अदर पॉइंट पे यदि आपको वैल्यूज निकाल सकते हैं इन बिटवीन ए टू बी बाय यूजिंग इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल. So such a process is known as interpolation. Clear? So there are various methods to find the interpolating polynomial. Interpolation with equally spaced data points. It means हमारे पास में ये data points equally spaced है. It means x1 और x0 के बीच में distance है वो x2 x1 के distance के बराबर है. x3 x2 के. It means these nodal points are equally spaced. Suppose that their distance is equals to h. ये सारे के सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं आपको मिल रहे हैं सारे के सारे क्या सपोज इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स हैं. सो देयर आर वेरियस मेथड्स टू फाइंड द इंटरपोलेटिंग फॉर्मूलाज. फर्स्ट वन इज न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. सेकंड इज न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन. थर्ड इज गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन, स्टिर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड बेसेल इंटरपोलेशन फॉर्मूला. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दीज फॉर्मूलाज इन प्रीवियस सेमेस्टर. न्यूटन्स फॉर्मूला फॉरवर्ड फॉर्मूला आप कब यूज करते हैं? व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट स्टार्टिंग ऑफ द टेबल. इट मींस यहां पे यदि किसी स्टार्टिंग पॉइंट्स पे कहीं वैल्यू चाहिए देन वी यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड. न्यूटन्स बैकवर्ड्स इट मींस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द एंड ऑफ द डेटा पॉइंट्स. यहां पे किसी पॉइंट्स के ऊपर भी आपको वैल्यू निकालनी है देन वी यूज न्यूटन्स बैकवर्ड. गॉस फॉरवर्ड का मतलब इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो हमारा मिड पॉइंट है सपोज एक्स आई इज अवर मिड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल. तो इस एक्स आई के लेफ्ट में यहाँ पे कहीं पॉइंट पे आपको वैल्यूज निकालनी है देन वी यूज गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. यदि एक्स आई के राइट में यहाँ पे किसी पॉइंट पे आपको वैल्यूज निकालनी है देन वी यूज गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन. सिमिलरली स्टिर्लिंग एंड बेसेल इंटरपोलेशन. इस जो हमारे मिड पॉइंट है इसके लेफ्ट या राइट में कहीं वैल्यूज आपको निकालनी है देन वी यूज स्टिर्लिंग और बेसेल इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज. सो बेसिकली आपके पास में जो फर्स्ट और सेकंड जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द स्टार्टिंग और एट द एंड ऑफ द डेटा पॉइंट्स. स्टार्टिंग के लिए वी यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड, एंड के लिए हम यूज करेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड. और जो रिमेनिंग फोर मेथड्स हैं विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द अराउंड द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा पॉइंट्स. यदि हमारा एक्स आई मिड पॉइंट है तो इसके लेफ्ट या राइट में कहीं आपको वैल्यूज निकालनी है देन वी यूज गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टिर्लिंग एंड बेसेल इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज. ये जो सारे के सारे फॉर्मूलाज है विच आर एप्लीकेबल फॉर द इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स. इट मीन्स हमारे पास में जो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होनी है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. देन वी कैन अप्लाई दीज फॉर्मूलाज. इट्स द बाउंडेशन फॉर दीज फॉर्मूलाज. नेक्स्ट वन इज द इंटरपोलेशन विद अनइक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स. इट मीन्स हमारे पास में जो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल भी हो सकती है. x1 और x0 के बीच में जो डिस्टेंस है वो x2 और x1 की डिस्टेंस के बराबर नहीं है सपोज. देन वी हैव टू मेथड्स, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला. इन दोनों फॉर्मूलाज की ब्यूटी ये है कि दीज फॉर्मूलाज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द इक्वली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स. इट मींस ये अनइक्वल के लिए तो है ही है. यू कैन आल्सो अप्लाई दीज फॉर्मूलाज फॉर द इक्वली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स. इट मींस यहां ये जो फॉर्मूलाज है इनके साथ में आप इनका भी एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर द इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट.
बट जो हमारे पास में ये स्टार्टिंग के छह फॉर्मूलाज है, वी कैन नॉट अप्लाई दीज फॉर्मूलाज फॉर दी अनइक्वल स्पेस डेटा पॉइंट्स, राइट? सो लैग्रांज इंटरपोलेशन एंड डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज आर दी इंटरपोलेटिंग फॉर्मूलाज फॉर दी अनइक्वल स्पेस डेटा पॉइंट्स, बट आपके सिलेबस में क्या है, ओनली लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है. सो वी शैल स्टडी अबाउट लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला ओनली, ठीक है? और ये सारे के सारे मेथड्स आप ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, और यदि आप लोगों को अभी याद नहीं है तो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वहां से देख सकते हैं इसको. नाउ लेट अस मूव टू द लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला. गिवन एन प्लस वन पॉइंट, हमारे पास में एन प्लस वन डेटा पॉइंट गिवन है, एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स वन वाई वन, एक्स एन वाई एन. सो दीज आर दी एन प्लस वन डेटा पॉइंट. इट मीन्स आपको फंक्शन है उसका एग्जैक्ट नेचर नहीं पता, अब उसकी एन प्लस वन पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यूज पता है. x नॉट पे फंक्शन की वैल्यू y नॉट है, x1 पे y1 है, xn पे वेयर द वैल्यूज ऑफ x नीड नॉट नेसेसरीली बी इक्वली स्पेस्ड, इट मींस इन दिस वे. ये हमारे पास में डिस्टिंक्ट डेटा पॉइंट्स है x0 x1 xn, यहां पे फंक्शन की वैल्यूज क्या है y0 y1 yn, राइट? नाउ द लैग्रांज इंटरपोलेटिंग पॉलीनोमियल पासेस थ्रू द गिवन डेटा पॉइंट्स इज गिवन बाय दिस रिलेशन. फॉर द डिटेल्ड डेरिवेशन यू कैन यूज एनी बुक, और जो लास्ट सेमेस्टर में मैंने आपको नोट्स दिए थे वहां से भी आप उसकी डेरिवेशन देख सकते हैं. सो वी यूज ओनली द डायरेक्ट फॉर्मूला हियर. सो y इक्वल्स टू समीशन i फ्रॉम 0 टू n lix yi. अब समीशन i फ्रॉम 0 टू n क्यों है, बिकॉज हमारे पास में डेटा पॉइंट्स क्या गिवन है, y0 से yn तक गिवन है, एंड दिस lix इज नोन एज द लैग्रांज मल्टीप्लायर और लैग्रांज कोएफिशिएंट बेसिकली, राइट? एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय दिस वन. इट मींस यदि हमको इस लैग्रांज कोएफिशिएंट की वैल्यू एक्स आई इस पॉइंट पे चाहिए आपको एक्स आई पे, देन हम क्या करेंगे इसका इस पॉइंट को छोड़ के रिमेनिंग पॉइंट से उसकी वैल्यूज निकालेंगे. इट मींस एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन. अब एक्स आई के लेफ्ट में हमारे पास एक्स आई माइनस वन है, सो वी राइट एक्स माइनस एक्स आई माइनस वन. अब जो हमारा एक्स आई है उसको हमने लेफ्ट आउट कर दिया यहाँ से, वी हैव नॉट कंसिडर एक्स आई हियर. सो एक्स माइनस एक्स आई प्लस वन अप टू एक्स माइनस एक्स एन, ठीक है? जो हमारे पास में x वेरिएबल है वहां पे हम x की जगह जिस पॉइंट पे आप वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो वी पुट x इक्वल्स टू एक्स आई, तो वी गेट एक्स आई माइनस एक्स जीरो. इट मीन्स इस पॉइंट से जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उनकी जो डिस्टेंस है उनका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज गिवन बाई दिस डिनोमिनेटर. एक्स आई का एक्स नोड से लेके एक्स एन तक जो भी पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन इज गिवन बाई दिस डिनोमिनेटर एक्स आई माइनस एक्स नॉट, एक्स आई माइनस एक्स वन, सिमिलरली एक्स आई माइनस वन, एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन, एंड सो ऑन, ठीक है? तो डिनोमिनेटर बेसिकली क्या है, जिस पॉइंट पे आप लैग्रांज कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल रही है उन पॉइंट्स उस पॉइंट से जो रिमेनिंग पॉइंट्स उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन है. ऊपर हमारे पास क्या है एक्स वेरिएबल है और जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं उसको एक्सक्लूड करते हुए रिमेनिंग पॉइंट्स पे एक्स उससे उसकी डिस्टेंस है. अब आपका x पॉइंट कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड पॉइंट के अराउंड भी हो सकता है और एंड पॉइंट पे कहीं भी हो सकता है. सो दिस x इज वेरिएबल पॉइंट. x स्टार्टिंग, सपोज आपने x यहाँ पे स्टार्टिंग में रख लिया है तो इस x पॉइंट का इन पॉइंट्स के साथ में जो डिस्टेंस होगी एक्सेप्ट दिस पॉइंट एक्स आई जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं वो हमारे पास में न्यूमरेटर होगा. इट मीन्स x यदि सपोज यहाँ पे है सो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू अप टू एक्स माइनस एक्स आई माइनस वन. जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उसको हमने लेफ्ट आउट कर दिया यहाँ से, देन एक्स माइनस एक्स आई प्लस वन एंड सो ऑन, ठीक है? सो दिस इज नोन एज द लैग्रांज कोएफिशिएंट. सो दिस इज अवर लैग्रांज इंटरपोलेटिंग फॉर्मूला. फॉर द टाइम बीइंग आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज वी सी द एप्लीकेशन इन द नेक्स्ट स्लाइड. इसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे. तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए और लैग्रांज कोएफिशिएंट के जो ये फॉर्मूला ये भी आप नोट कर लीजिए. कर लिया आप लोगों ने?
Yes, sir. Okay. Now, similarly, if we interchange x and y in equation number one, we obtain the inverse interpolation. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको y की वैल्यूज मिलेंगी. इट मीन्स यहाँ पे यदि हम x पुट करते हैं, बट सम प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा हो सकता है कि किसी x पे आपको y की वैल्यू गिवन है बट आपको x की वैल्यू नहीं पता है. देन वी कैन ऑल्सो अप्लाई दिस लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ x. तो उसके लिए हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर हम x की जगह y पुट कर देंगे और y की जगह x पुट कर देंगे, बिकॉज हमको यहाँ पे क्या पता है, y की वैल्यूज पता है और हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x इक्वल्स टू समीशन i फ्रॉम 0 टू n l i y x i, दैट इज अगेन है लैग्रांज कोएफिशिएंट. y i पॉइंट पे इसकी वैल्यू है, दैट इट मींस हम y i को x एक्सक्लूड कर देंगे और रिमेनिंग का हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगे. यू कैन सी हियर y i माइनस वन एंड y i प्लस वन. हम i पे y i पे निकाले तो हमने इसको y i को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, और डिनोमीटर में हमारे पास क्या है, वाई आई से रिमेनिंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन है. और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, जो हमारे पास में y पॉइंट है उसका रिमेनिंग पॉइंट एक्सेप्ट y i के साथ में जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लीकेशन है न्यूमरेटर के अंदर. क्लियर, सो दिस इज अवर इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला. तो ये भी आप नोट कर लीजिए फॉर द टाइमिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप. डन सर. ओके, so let us see the application of this formula. Find a cubic polynomial which fits the given data points. आपके पास में चार data points given है, तो इसे पास होने वाला जो भी curve होगा उसकी degree कितनी हो सकती है, maximum 3 हो सकती है. तो चार data points है तो इसे जो भी curve पास होगा उसकी maximum degree 3 हो सकती है. ठीक है, and also find the value of y at the point x equals to 1. अब यू कैन सी हियर x इक्वल टू 1 क्या है, जो हमारे पास में डेटा पॉइंट्स गिवन है माइनस टू माइनस वन टू एंड थ्री, इनके बीच में कोई पॉइंट होगा 1, तो वहां पे हमको उसके y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला वी हैव y इक्वल टू समीशन i फ्रॉम 0 टू 3 l i x y i l नॉट x y नॉट l1 x y1 plus l2 x y2 plus l3 x y3. So suppose this point is x naught, this is y naught, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2, and this is x3, y3. अब हमारे पास में ये l naught क्या Lagrange coefficient है, it means हम इस point के ऊपर निकाल रहे हैं, तो we exclude this point in numerator. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x minus x1, x minus x2, x minus x3. It means हमने इसको x naught से denote किया, तो l naught x की value, इसके अलावा remaining points पे हम निकालेंगे. So x minus x1, x minus x2, x माइनस एक्स थ्री. ठीक है, अब हमारे पास जो x है उसकी जगह हमने x नॉट पुट कर दिया डिनोमिनेटर में. इट मींस इस पॉइंट से रिमेनिंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, x नॉट से x1 की डिस्टेंस, x नॉट से x1 की डिस्टेंस, x2 की डिस्टेंस, x नॉट से x3 की डिस्टेंस, ये सारी की सारी डिनोमिनेटर में है, दिस इज y नॉट. सेम हमारे पास l1 के केस में क्या करेंगे, हम x नॉट की जगह x1 पुट कर, x1 को एक्सक्लूड कर देंगे आप. सो यू कैन सी हियर x माइनस x नॉट x माइनस एक्स टू आपको मिल रहा है, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया x1 को, x माइनस एक्स थ्री. ठीक है, अब x की जगह आप x1 पुट कर दीजिए y1, y2 के केस में, l2 के केस में क्या हो जाएगा, आप x2 x2 को एक्सक्लूड कर देंगे, तो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स थ्री. अब x की जगह आप x2 पुट कर दीजिए y2. सिमिलरली x3 के केस में आप x3 एक्सक्लूड कर देंगे, तो x माइनस एक्स नॉट अप टू x माइनस एक्स टू, x की जगह आप x3 पुट कर देंगे मल्टीप्लाई बाई y3. अब आपके पास में x नॉट y नॉट x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज गिवन है, ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दीजिए. इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ गिवन डेटा पॉइंट्स देन वी गेट दिस इक्वेशन. ये हमारे पास में x नॉट की वैल्यू माइनस वन है, सॉरी x1 की वैल्यू माइनस वन है, राइट, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए. If we simplify, then we get this third degree polynomial minus 1 upon 15 x cube minus 3 upon 20 x square plus 241 upon 60 x minus 39 upon 10. This is the equation of the polynomial passes through the given four data points. You can easily see that ये जो polynomial है वो given data points को satisfy करेगा. So एक बार note कर लीजिए आप, और आप check कर सकते हैं first point के लिए
ये x की वैल्यू यदि आप माइनस टू पुट करते तो y की वैल्यू आपको माइनस ट्वेल्व मिलती है या नहीं मिलती है यहाँ पे. यू कैन इजीली वेरीफाई दैट दिस कर्व पासेस थ्रू द गिवन डेटा पॉइंट्स. और इसकी डिग्री कितनी है? थर्ड डिग्री पॉलीनोमियल. कोई डाउट बेटा इसमें? जैसे आपके पास में जो फॉर्मूला अवेलेबल है उसका एप्लीकेशन करना है यहाँ पे. नाउ वी कैन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट इज कम्प्लीट. अब सेकेंड पार्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू वन. अब आप इसमें क्या करेंगे? पुट एक्स इक्वल टू वन इन दिस वन, देन वी गेट वाई इक्वल टू माइनस वन अपॉन टेन. यहाँ पे एक्स की जगह वन पुट करेंगे, देन यू गेट वाई इक्वल टू माइनस वन अपॉन टेन एट एक्स इक्वल टू वन. ये कोई डाउट बेटा? नो सर. राइट, नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द सेकंड एग्जांपल. The function y equals to sin x is tabulated below x or sin x. तीन डेटा पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास वैल्यूज गिवन है. x0 पे y0 गिवन है, x1 पे y1 गिवन है, x2 पे y2 गिवन है. सो यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ sin pi upon 6. नाउ यू कैन सी pi upon 6 lies between the interval 0 to pi upon 2. सो दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन फॉर्मूला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में लैग्रांज इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या है? जो x जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया? x की फॉर्म में निकाला, बिकॉज हमको पॉलीनोमियल भी फाइंड आउट करना था. बट यहाँ पे आप डायरेक्टली x इक्वल टू वन भी पुट कर सकते हैं. सब वी पुट x इक्वल टू पाई अपॉन सिक्स. तो पाई अपॉन सिक्स फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? जीरो. जीरो है तो जीरो वाले टर्म में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? वाई जीरो आ रही है, तो उसका टर्म का कोई सेंस बनता ही नहीं है. सो हमने फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी जीरो बन जाएगी आपकी. सो वी कंसिडर ओनली सेकेंड एंड थर्ड टर्म. बस हमारा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? वाई जीरो वाई वन इन सबसे फंक्शन की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो यू कैन सी हियर दैट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो इज वाई इक्वल टू जीरो, है ना. सो फर्स्ट टर्म तो हमारी वेनिस हो जाएगी, उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा. सो ओनली सेकेंड एंड थर्ड टर्म रहेगी. सेकेंड टर्म इट मीन्स एक्स वन के ऊपर आप. So you can see here कि हमने x1 को x root कर दिया numerator के अंदर, pi upon 6 minus 0 and pi upon 6 minus pi upon 2, because हमने इसको x root कर दिया. अब now in denominator में हम क्या करेंगे? इस point का, इसके left और right में जो भी points उनसे distance का multiplication. So pi upon 4 minus 0 and pi upon 4 minus pi by 2, and value of the function at pi upon 4 is 0.70711. and last term हमारे पास क्या है? pi upon 2 के लिए है. So we x root this point in numerator. तो पाई अपॉन सिक्स माइनस जीरो, पाई अपॉन सिक्स माइनस पाई अपॉन फोर. डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा? इस पॉइंट का रिमेनिंग पॉइंट्स के साथ में डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन. सो पाई अपॉन टू माइनस जीरो, पाई अपॉन टू माइनस पाई अपॉन फोर, एंड मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई अपॉन टू विच इज वन. इफ यू सिंप्लीफाई देन वी गेट 0.51743, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द साइन पाई अपॉन सिक्स. ठीक है, कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर. ऑलराइट, सर्टेन करस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ एक्स एंड लॉग बेस टेन एक्स आर गिवन बाय दिस. तो हमारे पास में कितने डेटा पॉइंट्स गिवन है? फोर डेटा पॉइंट्स गिवन है, एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस टेन 301, एंड 301 लाइज बिटवीन 300 एंड 307. ठीक है, सो by using Lagrange interpolation formula we have I from 0 to 3 li x y i. अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है यहाँ पे? 301 पे है. 301 पे आपको निकालनी है. सो यू कैन सी हियर दिस इज अवर एल नॉट एक्स. इट मीन एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है? 300 है. तो हमने फर्स्ट हम क्या करेंगे? 300 को हमने x रूट कर दिया न्यूमरेटर के अंदर, और x की वैल्यू कितनी है? 301 है. सो 301 माइनस 304, 301 माइनस 305, इट मीन्स इस पॉइंट का इनके साथ में डिस्टेंस ले लेंगे आप 304, 305, 307. डिनोमीटर में आपने 300 पे निकाल रहे हैं, तो 300 का रिमेनिंग पॉइंट्स के साथ में डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. 300 माइनस 304 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 300 विच इज 2.4771. सिमिलरली सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. इफ यू सिंप्लीफाई दिस देन यू गेट 1.2739 plus this term minus this plus this.
If you simplify, then we get 2.4786, which is the required value of log base 10 at 301. Okay. जो भी आपका Lagrange interpolation का formula है वहां पे आप values put करेंगे. If y1 equals to 4, y3 equals to 12, y4 equals to 19 and y8 equals to 7, then find the value of x. इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? आपको x की वैल्यू निकालनी है, y आपके पास में गिवन है. The first one. First one में क्या था बेटा आपके पास में? x की वैल्यू गिवन थी, आपको y निकालनी होती थी ना? Yes, x minus x. No. Listen first. आपके पास में यहाँ पे x की वैल्यूज निकालनी है. तो अभी तक आपने क्या किया यहाँ पे? y की वैल्यूज आप निकाल लेते हैं. ये सारी की सारी क्या है? Basically y की वैल्यूज है at given x. x आपके पास में given था यहाँ पे. You can see here x equals to 301. उस पे हमको इसकी वैल्यू निकालनी है. इसका वैल्यू को मतलब y की वैल्यू निकालनी है at 301. और आपके पास में y क्या है? Log base 10 x है. Now you can see here in this problem. आपको y की वैल्यू गिवन है, आपको x निकालना है. मैंने आपको एक सेकंड फॉर्मूला भी बताया था कि आपको जब y की वैल्यू गिवन है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, देन वी यूज इनवर्स इंटरपोलेशन. यस सर, सेकंड फॉर्मूला. सो यूजिंग इक्वेशन सेकंड वी हैव दिस रिलेशन x इक्वल टू समीशन 0 टू 3 li by xi. तो हमारे पास में यहाँ पे जो x नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है. जो सफिक्स में जो नोटेशन से हमने उसको क्या मान लिया? 1 को हमने x नोट मान लिया, 3 को हमने x1 मान लिया, 4 को हमने x3 मान लिया. ठीक है. सो यू कैन सी हियर li by का मतलब जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं? 7 के ऊपर निकाल रहे हैं. तो न्यूमरेटर में जो x y है वहां पे हम 7 पुट कर देंगे सभी जगह. तो 7 का रिमेनिंग पॉइंट के साथ में डिस्टेंस एक्सेप्ट इसके लिए निकाल रहे हैं. तो 7 माइनस 12 7 माइनस 19. इस पॉइंट का आपने एक्स कर दिया, तो 4 का रिमेनिंग के साथ में डिस्टेंस, 4 का 12 के साथ में, 4 का 19 के साथ में डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय द फंक्शन वैल्यू एक्स. सिमिलरली 7 माइनस 4 7 माइनस 19 डिवाइड बाई 12 माइनस 4 12 माइनस 19. ठीक है. जो हमारे पास में फॉर्मूला अवेलेबल है उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए. इफ यू सिंपलीफाई देन वी गेट x इक्वल टू 1.86. तो 1.86 पे जो हमारे पास में इस फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 7 के इक्वल हो जाएगी. एंड आल्सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल पासेस थ्रू द गिवन डेटा पॉइंट्स. यहाँ पे y की वैल्यू जो 7 हमने पुट की है उसको आप हटा दीजिए यहाँ से. आप सिंपली यहाँ पे then you get x in terms of y. तो आपको y के अंदर एक polynomial मिलेगा. उसकी डिग्री कितनी बनेगी? Any idea? यदि आपने यहाँ पे 7 जो put किया y की value, यहाँ पे यदि y की value put ना करके simple y रखें 7 की जगह, sir 3 मिलेगी. 3 degree. 3 मिलेगी? कैसे बेटा? कितने data points हैं? एक्सेप्ट दिस वन, इसकी वैल्यू तो आप वाई रख रहे हैं ना सर. कितने डेटा पॉइंट हो गए आपके पास में? सर फिर 2 मिलेगी क्योंकि 3 है. सर 2 मिलेगी ना, बिकॉज़ 3 डेटा पॉइंट्स आपके पास में गिवन है. सो 3 डेटा पॉइंट से पास होने वाला जो कर्व होगा उसकी डिग्री कितनी होगी? मैक्सिमम 2 हो सकती है. सो यहां से यदि आप 7 की जगह वाई पुट कर देते हैं, इट मींस आपको पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है व्हिच पासेस थ्रू द गिवन डेटा पॉइंट्स. सो पुट 7 इक्वल्स टू वाई, देन यू गेट द सेकंड डिग्री पॉलीनोमियल. वहां से आप फिर y की वैल्यू पुट कर देंगे 7, देयर यू गेट x इक्वल्स टू 1.86. सर दीज आर द प्रॉब्लम्स यू नीड टू ट्राई योरसेल्फ. तो प्रॉब्लम्स आप इनको नोट कर लीजिए. ln 2.7 की वैल्यू निकालनी है, मींस बिटवीन द पॉइंट्स 2 एंड 3 व्हिच इज इक्वल टू 0.994164. यहां से पॉलीनोमियल आपको निकालना है व्हिच पासेस थ्रू द गिवन 4 डेटा पॉइंट्स.
नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द लैग्रांज इंटरपोलेशन.